अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज अभी हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए लाए हैं, ये है अब गाड़ी 2017 मॉडल की GLI ऑटोमेटिक। देख सकते हैं गाड़ी अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरी हालत में। अच्छा, गाड़ी के 2 से 3 पीस टचअप हैं। नॉर्मली मैं आपको जो गाड़ियाँ दिखाता हूँ उसके अंदर टचअप वचअप नहीं होते, लेकिन ये अपना एक पार्टी की गाड़ी है तो हो जाते हैं। एक्सीडेंट इनसे नहीं, एक्सीडेंट की गारंटी है। 2 से 3 पीस टचअप है गाड़ी पे। और गाड़ी मैं आपको बाहर से विजिट कराता हूँ, पहले मैं गाड़ी लगा दूँ। ड्राइव कर रहा था अभी गाड़ी की, तो गाड़ी आप देख सकते हैं चलने वलने में ओके। गाड़ी के अंदर किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है, मतलब ना सस्पेंशन में किसी किस्म का कोई काम वाम ऐसा कुछ भी नहीं है। बैक कैमरा आप इसका देख सकते हैं, अच्छा खासा, यानी कि बिल्कुल ओके हालत के अंदर है। तो बाकी अभी गाड़ी लगा देते हैं और फिर मैं आपको इसका रिव्यू करके दिखाते हैं। बाहर से भी मैं आपको गाड़ी चेक करा देता हूँ कौन से पीस हैं इसके, ये भी कोशिश करते हैं जानने की। तो अभी पहले बाहर चलते हैं और मैं आपको गाड़ी बाहर से विजिट कराता हूँ। तो जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था, गाड़ी आपको बाहर से दिखाता हूँ। गाड़ी आप देख सकते हैं साफ़ सुथरी हालत में, गाड़ी एक्सीडेंट कहीं से नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया। वो सिर्फ स्क्रैचेस की वजह से गाड़ी के 2 से 3 पीस टचअप आ रहे हैं, इसके अलावा गाड़ी ओके हालत में है। गाड़ी आप लुक वाइज चेक कर सकते हैं, घर की चली हुई गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। गाड़ी का माइलेज क्या है ये मैंने अभी चेक नहीं किया, लेकिन मैं अभी आपको चेक करके बता देता हूँ। बाकी अगर इसकी लाइटों की बात करें आगे, तो आप इसकी लाइट वगैरह देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है। अच्छा, टायरों की अगर बात कर लेते हैं, तो आप टायर इसके जो है देख सकते हैं, टायरों की कंडीशन बहुत अच्छी है। अलाई रिम इसके अंदर बहुत अच्छे वाले जो है लगे हुए, नॉर्मली इसमें अलाई रिम आते नहीं है, लेकिन ये लगाए हुए और अच्छे वाले लगाए हुए। और टायरों की कंडीशन जैसे कि मैंने बताया काफ़ी अच्छी हालत में है। तो गाड़ी वैसे लुक वाइज आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है। जैसा कि मैंने बताया 17 मॉडल की गाड़ी है, तो इसके अंदर एक फीचर ये आता है कि ये मैंने बटन दबाया और इसकी डिग्गी जो है बटन से खुल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अंदर से भी गाड़ी काफ़ी साफ़ सुथरी हालत में है। ये आप देख सकते हैं अंदर से काफ़ी साफ सुथरी हालत में। अच्छा, यूज़ गाड़ी है, तो आपको एक बात सता रही होगी कि इस गाड़ी का इंजन रूम कैसा है। तो मैं आइए आपको इंजन रूम भी इस गाड़ी का दिखा देता हूँ। एक नज़र आप अंदर से भी गाड़ी देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है गाड़ी। गाड़ी अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है। और इंजन रूम इसका मैं आपको चेक करा देता हूँ, ताकि आपको इस बात पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गाड़ी आप ये देख सकते हैं इंजन रूम से कितनी साफ़ सुथरी हालत में हो रही है गाड़ी। तो आप इसका मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके, तो कुप्पे इसके आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है, और कहीं से भी कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ। नोज पट्टी इसकी देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में। ये कुप्पा भी आप इसका देख सकते हैं बिल्कुल जेन्युइन हालत में। अच्छा, अगर बोनट की डोरियों की बात करें, तो ये आप डोरियाँ भी इसकी पूरी हैं। इसका बोनट जो है बिल्कुल जेन्युइन हालत पर है, आगे से कहीं नहीं लगी, खाली साइडों में से 2 से 3 पीस टचअप है। तो गाड़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी है। करोला इस वक्त मार्केट के अंदर काफ़ी महंगी हुई भी है, क्योंकि नॉर्मली जो सुजुकी ऑल्टो है 31 लाख रुपए का तो उसका रेट हुआ हुआ है। तो ये 17 मॉडल की गाड़ी है, आप देख सकते हैं। तो अगर पैसों के एतबार से बात की जाए, तो गाड़ी बहुत अच्छी हालत में है। और पैसे मैं इसके बता दूँ, 35 लाख 50 हज़ार रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। बाकी जो भी मोहब्बत होगी वो कर लेंगे इंशाल्लाह। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी हालत में है। तो अगर आपको ये गाड़ी लेनी है, तो लेने का तरीकाकार बहुत आसान है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से नंबर मिल जाएगा मेरा, वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।